नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल और एनिन्फो में आपका फिर से आज बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप वापस से वेलकम ऑफर से वापस प्रीव्यू ऑफर में कैसे हैं। जी हाँ, हमारे जो नया ऑफर जो आया है जियो का, जो कि सभी फ़ोनों पर कंपलसरी अपडेट हो चुका है, जो रिलायंस वेलकम ऑफर के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है जो कि बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें 4 GB तक डाटा मिलता है जो कि 4G स्पीड से मिलता है। उसके बाद हमारा अनलिमिटेड हो तो जाता है लेकिन उसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती। तो जो हमारा प्रीव्यू ऑफर था उसमें कोई लिमिट नहीं थी, आप जितना मर्जी वन डे यूज़ कर सकते हैं और आपकी ना ही स्पीड घटेगी और ना ही आपकी कोई डाटा लिमिट थी। तो चलिए मैं बताता हूँ इसको करना कैसे, आप अपने फ़ोन को मतलब वापस प्रीव्यू ऑफर में कैसे जाएंगे, तो आपको करना ही होगा। चलिए पहले मैं दिखाता हूँ कि अभी मेरा कौन सा ऑफर चल रहा है। ये रही माई जियो की एप्लीकेशन, मैंने ये ऑन कर दी। उसके बाद में माई जियो को मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गया, अपडेट हो रहा है। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं इंजॉय जियो वेलकम ऑफर, जो कि हमारा टाइम दिखा रखा है यहाँ तक का 31 दिसंबर 2016 तक। हाँ, इसमें आप नीचे ये छोटा सा मैसेज जो आ रखा है इसको आप रीड कर सकते हैं। अप टू 4 GB हाई स्पीड डाटा फ्री एवरी डे, मतलब 4 GB डाटा तो आपको हर दिन मिलेगा। पोस्ट एट अनलिमिटेड फ्री डाटा इज प्रोवाइडेड एट, जो आपको अनलिमिटेड डाटा मिलेगा 4 GB के बाद में वो 128 KBPS की स्पीड के हिसाब से होगा, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है क्योंकि 4G यूज़ करने वाले सडनली 2G से भी मतलब गई गुजरी स्पीड में तो यूज़ ही नहीं कर पाएंगे फिर। तो चलिए मैं दिखाता हूँ इसको करना कैसे होगा, इसको आपको प्रीव्यू ऑफर पर कैसे जाना है। आपको ये दिख रहा है आपको, इसको आपको वेलकम ऑफर से प्रीव्यू ऑफर पर कैसे जाना हो। ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, मैंने आपको एप्लीकेशन दिखा दी है। तो इसके लिए आपको करना ही होगा, आपको अपनी वाली एप्लीकेशन को जो है वो अनइंस्टॉल करना होगा। मैंने अनइंस्टॉल कर दिया इसको। उसके बाद में आपको YouTube पर जाना होगा। YouTube पर जाके आपको इन्फो टाइप करके, उस चैनल को टाइप करके आपको वीडियोस पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर मैंने कुछ वीडियोस दे रखी थी जिसमें आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जो कि मस्ट है। मैं एप्लीकेशन को पॉज कर देता हूँ अभी, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको आना होगा। तो यहाँ पर दिया रखा है डाउनलोड दिस ऐप, तो इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो जब ये एप्लीकेशन आपकी डाउनलोड हो जाएगी तो उसके बाद में आइए मैं दिखा देता हूँ। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी है क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका ज़्यादा टाइम ख़राब हो, तो डाउनलोड मैंने कर रखी है, तो डाउनलोड के फोल्डर में होगी ये। तो इसको आप इंस्टॉल करना होगा आपको। मेक श्योर आपने पुरानी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दिया है तभी यह इंस्टॉल होगी, अदरवाइज इंस्टॉल नहीं होगी। जी हाँ, देख सकते हैं ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है अभी। चलिए इसको इंस्टॉल होने देते हैं, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। जी हाँ, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है। अब इस एप्लीकेशन को हमें ओपन करना होगा। मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। देखिए अभी पूछा है इस तरीके से इसको अलाउ कर दो, और अभी आप देख सकते हैं ऊपर ये नोटिफिकेशन आ रखा है नो इंटरनेट कनेक्शन। जी हाँ, अभी मैंने इंटरनेट अपना सारा इंटरनेट अभी बंद कर रखा है, जो कि आपको भी ऐसे ही करना है, आपको कोई इंटरनेट यूज़ नहीं करना। उसके बाद में आपको करना ही होगा, मैं इसको हटा देता हूँ सबको। उसके बाद में देखिए अभी मेरा कोई से भी डाटा या फिर वाईफाई वगैरह या डाटा कोई अभी नहीं चल रहा। करना होगा आपको ये कि अभी यहाँ पर आपको इंटरनेट आपने ऑन किया, सडनली ऑन करते ही आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा गेट जियो सिम, अवेल ऑफर, इसको अलाउ करना है। जी हाँ, आप देख सकते हैं पहले क्या था, पहले वेलकम ऑफर था, जियो वेलकम ऑफर। अब ये देख सकते हैं आप जियो प्रीव्यू ऑफर, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये हो गया, काम कर गया ये।
और यहाँ पर आपको दिखा रखा है वैलिड अप टू 31 दिसंबर 2016। तो इसको बैक जाएंगे हम, अभी यहाँ पर वेलकम ऑफर का आया है, इसको आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको कट कर देना है।